सो हेलो एवरीवन, जेडी इज हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो मैं आज आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार बता दूँ, अगर मेरे नए मेहमान हैं उनसे तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, या उधर साइड में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ उसे प्रेस कर दिए ताकि अगली कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर देना और सबसे नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट कर दी बिना किसी देरी के। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वीडियो में दो बड़े ही तगड़े पहलवान के बारे में। जी हाँ, दो बड़े ही तगड़े पहलवान है, नहीं आर्नोल्ड के बारे में नहीं, हम बात कर रहे हैं संग्राम चावले और सोहेल खान की। जी हाँ, संग्राम चावले और सोहेल खान के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो वीडियो आराम से बैठ जाइए, तसल्ली से फोन लगा लीजिए और पूरी वीडियो देखिए। क्योंकि आपको मैं अभी कुछ टाइम पहले संग्राम चौगले और साहिल खान में कुछ चल रहा है कॉन्वर्जेशन, कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है इनके बीच की, आप क्या कुछ सीन चल रहा है फाइट का, सीन मतलब आप सोशल फाइट कह सकते हैं इसको, इंस्टाग्राम टू इंस्टाग्राम, रिप्लाई टू रिप्लाई, स्टोरी टू स्टोरी, ऐसा कुछ चल रहा है। तो मैंने देखा काफ़ी, मैंने कहा चलो लेट्स सी इस पर बनाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मज़ा आएगा। फिटनेस का है तो मुझे फिटनेस का ही पसंद है, मैंने कहा चलो एक बार इस पर भी सही, क्योंकि मैं भी साहिल खान को फॉलो करता हूँ काफ़ी, बहुत बड़ा फैन हूँ उनका स्टाइल मूवी से, याद है ना बॉली स्टाइल मूवी, मैं भी काफ़ी बहुत बड़ा फैन हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये शुरू यहाँ से हुआ कि संग्राम जिन उनके कुछ मुझे टीम्स मेम्बर वो कुछ बोला कुछ कहा, तो इसी को रिलेटिंग जो पहला रिप्लाई था साहिल का और संग्राम जिन वो कुछ ये था। तो देख लें नेक्स्ट क्लिप। सारे लोग सो कॉल मिस्टर अर्थ बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन और उनके टीम बहुत सारे स्टोरीज मेरे खिलाफ डालते हैं, ये भूल जाते हैं कि जहां ये तेल लगाकर खड़े होते हैं ना वहां पे मैं चीफ गेस्ट होता हूं। अगर याद हो ना, याद है ना, तो अपनी टीम को बोलो याद करो, जहां पे तुम खड़े होते हैं वहां मैं चीफ गेस्ट होता हूं, आज से नहीं 15 साल से। और अगर मेरे स्टाफ को मेरी टीम को कोई फोन करता है कुछ बोलना चाहता है, मुझसे बात करो, मुझसे 40 माले चढ़ो, घर पे आके बात करो अगर तुम्हारी ताकत है तो। ओके, जितनी औकात रहे उतने ही में बोलना, समझ में आया? कितने तुम्हारे जैसे आगे पीछे इधर जिम में काम कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? हवा मत लो ज्यादा, बहुत गहरा आएगा। और जितना टीम ये लिख रही है ना, और आइकॉन अवार्ड को डिसरिस्पेक्ट करते हो आप लोग, हाँ वेरी गुड। औकात मत भूलो, औकात मत भूलो, औकात, ठीक है? जहां खड़े होते हो ना नंगे होकर, वहां पे चीफ गेस्ट होता हूं मैं, याद तो होगा ना। जहां पे चवन्नी अडन्नी का जिम खोलकर दिमाग खराब हो गया ना, ब्रांड बनना है, ब्रिंग आइकॉन टू मी, मैं ब्रांड बताऊंगा बॉडी से कैसे बनता है। अबे पहले प्रो कार्ड जिंदगी में जीत एक पहला, उसके बाद, और अब ले ही लिया है ना तो अभी बर्दाश्त करना, ठीक है? अभी मालूम पड़ेगा तुमको, पूरे घर तक छोड़कर आता हूं मैं, पठानू देता हूं इज्जत तो एहसान नहीं करता हूं, लेता हूं तो लिहाज नहीं करता हूं, याद रखना, समझ में आया ना? अभी समझो ये बात ध्यान से, नहीं तो इतना इतना गहरा डालूंगा ना, इतना लंबा डालूंगा कि एग्जाम्पल बना दूंगा पूरे देश के लिए, समझ में आया? ये छोटे मोटे जो चवन्नी अठन्नी गिरी इंस्टा पे होता है ना, और जिन लोगों को लग रहा है ना कि नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उतनी औकात नहीं है कि उनकी नाम लिखकर मैं उनको इज्जत दूं, अभी भी पब्लिसिटी दे रहा हूं, ये उन लोगों में से हैं जो गाली खाकर नाम सुनते हैं, इंस्टाग्राम पे लिखने से कुछ नहीं होता है, समझ में आया? कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना, या नहीं तो बाजू से निकलूंगा ना तो हवा आएगी ना जब भीड़ की, तो समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है। मैं बॉडी बिल्डर लोग की इज्जत करता हूँ, बॉडी बिल्डर लोग के लिए बहुत कुछ किया है मैंने, याद करो क्या किया है। जाकर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जिसने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया ना, जहां खड़े रहते हो उनसे पूछो 10 साल 15 साल 20 साल पहले क्या किया है, समझ में आया? बाकी भी बॉडी बिल्डर हैं, इंस्पिरेशन लो सुनीत जाधव से, सुहास कामकर से, बहुत। और ये जो फेक बॉडी बिल्डिंग शोज जो चालू कर रहे हो आप लोग, कम से कम लोगो तो आर्नोल्ड क्लासिक का कॉपी मत करो यार। लोगो बनाने का लड़का चाहिए तो संतोष गंभीरे को ले लो, मेरा लोगो बना के दे देगा फ्री में, इतनी औकात नहीं है। मुंह पे मीठे बनते हो और टीम को बोलते हो मेरे खिलाफ पोस्ट डालने को स्टोरी में, या खुद भी ऐसा सोचते हो, यही डिफरेंस है। इसीलिए सुनीत यादव और सुहास कामकर कहां पहुंच गए, एक एशिया चैंपियन हो गया।
हेल्प चाहिए होता है तो बहुत हेल्प लेते हो, शूट आउट के लिए बोलते हो, वीडियो कोलैबोरेशन के लिए बोलते हो, मेरा जिम में फोटो शूट किया गोवा में वो भी दिया, और पीछे से ऐसा करते हो। आज भी इज्जत दे रहा हूँ मेरी स्टोरी में तुम्हारे बारे में बात कर कर। एंजॉय। जो तुम्हारी टीम है ना, उनमें से किसी की भी अगर ताकत हो तो भीड़ में आना, मुझसे मिलना, मेरे किसी स्टाफ को फोन नहीं करना, कुछ नहीं बोलना। और घोड़े का शिट बेचते हुए नजर आ रहे हो, जो घड़ी बेच रहे हो ना चवन्नी अठन्नी वाली मालूम है ना कौन सी घड़ी पहनता हूं मैं? ऐसी बड़ी बात करता नहीं हूं, तुम्हारे औकात दिखाने के लिए बोल रहा हूं। Why the fuck you started posting about me, icon, I train your trainer, मैं नहीं बोलता हूँ। What do you thought about me, huh? I am not your fucking match. तो उस स्टेटमेंट के बाद साहिल खान के संग्राम चौबले चुप ने रहे और इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज पे कुछ लाए, बाकी कुछ अपने पॉइंट्स रखे, कुछ उनकी जो बातें थी वो बातें बताई कि वो क्या क्लियर करना चाहते थे। तो चलिए देखते हैं संग्राम चौबले ने अपनी कुछ बातें जो थी वो क्या क्लियर करी। तो अब देखते हैं उनकी स्टोरीज कुछ। कुछ बातों के शेयर हमेशा बातें करते रहते हैं इंस्टाग्राम में, हर कोई बोलता है कि किसके बारे में बोल रहे हो, मिस्टर अर्थ, मिस्टर ये, मिस्टर वो। तो कुछ चीज़ें मुझे रिलेटेड लगी, और जहाँ भी बॉडी बिल्डर का कुछ निकलता है नाम, तो मेरे नाम के ऊपर भी दो बार मिस्टर वर्ल्ड है, तो अभी डायरेक्ट कोई बोल नहीं सकता मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, तो मिस्टर अर्थ का शायद लगाया रहेगा। एनीवेज बात आती है कि ये चल कब से रहा है और क्यों चल रहा है, कि भाई अगर सच में कुछ है तो डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो एक बात कहना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डर हूँ और हमेशा बॉडी बिल्डर रहूँगा, और जो चीज़ें चलती कि बल्कि बॉडी, बल्कि आर्म्स, सो यस, बॉडी बिल्डर्स बल्कि रहते हैं क्योंकि उनको मसल्स बढ़ाने हैं। हाँ, तो ये ड्रामेबाजी मुझे लगता है बंद करना चाहिए। और कोई बंदा बोलता है कि राजपूत हूँ, पठान हूँ, तो लंबा ये करूँगा, तो भाई कैसा है कि अगर कुछ प्रिटेंड करने की बातें रहती है कि मैं इधर जाऊँगा, मैं उधर जाऊँगा, मंदिर जाऊँगा, मस्जिद जाऊँगा, गणपति जाऊँगा, उधर जाऊँगा, भाई इंडिया में है तो किधर भी जा सकता है, तो ये कहने वाली बात है नहीं। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर इंडियन खुद को बोलते हो, मे बी इंडियन आइडल बोलते हो, मे बी आइकॉन बोलते हो, जो चीज़ें हैं, तो उसका पहले मतलब मालूम होना चाहिए कि किसके बारे में आपको क्या बोलना चाहिए। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर इंडियन हो ना तो लड़कियों की, औरतों की इज्जत करना सीखना चाहिए। सोशल मीडिया जो रहता है वो हर एक के लिए रहता है, ये अकेले के कुछ अकेले की मतलब और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अगर कोई लड़कियों का यूज़ करता है, मे बी लड़कियाँ इंडियन हो या बाहर की हो, लेकिन इंडिया में औरतों को इज्जत दिया जाता है, और उनको अगर बिना कपड़े के देख के किसी को इज्जत मिलती है और किसी को लाइक्स मिलते हैं, और उस लाइक से किसी को लगता है कि मैं फेमस हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया और मेरे इतने मिलियन व्यूअर्स है और उतने मिलियन से हो रहे, सो नो यूज़। क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि आपको किस चीज़ के लिए लोग पहचानते हैं वो बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे मतलब मेरे बारे में बोला जा रहा है कि जैसे बॉडी बिल्डर हो तो ये क्यों किया नहीं, वो क्यों किया नहीं, कौन से कंपटीशन करना है, कौन से कंपटीशन नहीं करना है, ये मेरा पर्सनल थिंग। अभी हालांकि मैं अकेला बॉडी बिल्डर नहीं हूँ जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, मिस्टर एशिया जीता, ये सब चीज़ें जीती है, देर आर सो मेनी बॉडी बिल्डर्स। ये मेरे बारे में रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा ना तो भी मेरे लिए पर्सनल है, क्योंकि जहाँ पे बॉडी बिल्डर का नाम आता है वहाँ पे एक बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डर को नाम रखे है, जैसे बोला जाता है कि चड्डी पे आप स्टेज पर रहते हो तो वहाँ पे मैं गेस्ट रहता हूँ, तो भाई पहले ही भी सोचना कि तुम जब आए थे यहाँ पे तुम चड्डी पे खड़े रहने के लिए आए थे, और उसके बाद ही खुद शेर हो ना तो खुद को शेर समझते हो, तो डायरेक्ट सामने आके बात करने की मतलब हिम्मत भी रखो। ये फोन पे बात करके अपने व्यूअर्स को बोल के किन चीजों के लिए मैं फेमस हूँ, लाइफ स्टाइल बता के, और खुद दूसरे को कॉपी करके, दूसरे को अगर कोई बोलता है कि हमें कॉपी करता है, सब चीजें करता है, अगर कोई बोलेगा बंदा कि डंबल मैं ऐसा मारता हूँ तो मेरे मुझे देख के डंबल दूसरा भी ऐसा मारता है, तो शिट थिंग है, क्योंकि डंबल का वर्कआउट कोई भी वर्कआउट सेम ही रहे। रिप्लाई करने की बात क्यों आई, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स के बारे में बोला गया कि बॉडी बिल्डर्स की औकात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कि स्टेज पे हम लोग खड़े रहते हैं हमारे कॉस्ट्यूम के ऊपर,
तो सिर्फ बॉडी बॉडी तो कमा के सब चीजें हो जाती है, लेकिन इज्जत जो मिलती है ना, जो बॉडी बिल्डर कमाता है लोगों से, वो एक कौन सी घड़ी पहनी है, किस लड़की के साथ हूँ, किस में घूमता हूँ, पैसा कौन खर्च करता है, तो औकात ही दिखानी रहेगा ना। तो हर कोई अपने को खुद बनाता है, ये किसी पीछे के ऊपर किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के कुछ बनाता नहीं है। जब आया था बॉडी बिल्डिंग में तो कुछ लेके नहीं आया था, किसी का सपोर्ट भी नहीं था पीछे, और एक बॉडी बिल्डर को सामने लेके दूसरे बॉडी बिल्डर को गाली देना और कहना कि बॉडी बिल्डर को सपोर्ट करता हूँ, तो इतना करना ही है ना, तो सामने बैठ के बात करो और क्लियर करो कि हुआ क्या है। तो मुझे एक्सप्लेन करने में भी सुनीत जाधव, सुहास खामकर, इनके बारे में मुझे भी मालूम है और उनको रिस्पेक्ट करता ही करता हूँ। सुहास के बारे में हमेशा बोलता हूँ कि ही इज द ओनली बॉडी बिल्डर फ्रॉम इंडिया कि जिसका हार्डवर्क मैंने जीता है, देखा है। दूसरी बात हो गई सुनीत, सुनीत का स्ट्रगल भी मैंने देखा है। अगर है ना इतनी कॉन्टैक्ट और इतना कॉन्फिडेंस, तो सुनीत को पूछ लेना कि सुनीत को क्या अच्छा बताया था मैंने कि बुरा बताया था। कॉम्पिटिशन अलग बात रहती है और सिखाना और एक्सपीरियंस अलग बात रहती है। तो कुछ भी मुंह में आकर बात करना है ना, तो अगर क्लियर ये करना है तो सामने आके करो। 2 महीने से चल रहा है, जब मैंने एब्सोल्यूट ज्वाइन किया तब से ये सब कीड़े उठ रहे हैं कि हर साल ब्रांड बदलता है, ये करता है वो करता है। मैं ब्रांड बदलता हूँ ना, तो मैं किसी कंपनी के पास जाता नहीं हूँ, कंपनी मेरे पास आती है, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा काम कैसा और क्या करता हूँ मैं। तो जी हाँ, तो ये थे रिप्लाई कुछ संग्राम चौगले के सोहेल खान को। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सोहेल खान के कुछ पोस्ट में कुछ लोगों ने ये लिखा कि सोहेल खान ऐसे कि अपना एक फिल्म का डायलॉग बोला था पठान वाला, जो आपने देखा होगा कि पठान वाला मुझे याद नहीं आ रहा, बट देखा होगा आपने। हाँ, तो वही डायलॉग याद करा, बट कुछ लोग इस पे रिलीजन्स ले गए। जी हाँ, इसको कुछ धर्म में बात किया, मतलब वो सोच रहे हैं ये पठान है, ये चोगले है। तो साहिल खान ने ये चीज क्लियर करी कट टू कट की भाइयों, जो भी सपोर्टर हो भी लो, यार इस चीज को तुम ऐसे मत देखो कि मतलब वो बंदा हिंदू है या ये बंदा मुसलमान है, तो ये चीज गलत है। मतलब एक वो उन्होंने बताया कि वो एक ह्यूमन को बोल रहे ना, कि वो एक रिलीजन को बोल रहे, वो हर धर्म को मानते हैं। और वो और इसका रिप्लाई उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी दिया। तो चलिए देखते हैं वो इंस्टाग्राम स्टोरीज, उन्होंने ये सब क्लियर की चीज। और भाई, सबसे पहले जितने मेरे सपोर्टर्स हैं, जो भी कंट्रोवर्सी होती है, कुछ भी होता है, आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं करें, प्लीज़, ओके? सो इट इज़ बिटवीन मी एंड समबडी एल्स, सो इट्स जस्ट पर्सनल। लेकिन कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की किसी रिलीजन को लेकर, और मैं जहाँ भी गया बहुत इज्जत दिया उन लोगों ने, बहुत प्यार दिया। सारे वीडियोस आप मेरे यूट्यूब पर देख सकते हैं कि इस साल भी गणपति में बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। तो प्लीज़, जितने मुसलमान भाई हैं या जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, रिलीजन के बारे में ना कहें। रही बात अब उन लोगों की जो हेट कमेंट्स लिखते हैं कि मैंने पठान कहा या मैंने कुछ भी कहा, कोई पर्सनल रीज़न नहीं था। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले मुझे देश का अवार्ड मिला, राजीव गांधी अवार्ड। और राजीव गांधी कौन थे इस देश के, आप सब जानते हैं। उस अवार्ड पे देश का झंडा लगा हुआ है। उस अवार्ड को बहुत महान लोगों ने रिसीव किया है, उनमें से मैं सबसे छोटा इंसान हूँ जिसे वो अवार्ड मिला, ओके? सो दैट इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। के बाद डॉक्टर APJ कलाम अवार्ड, यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया मुझे मिला भारत सरकार की तरफ से, उस पर भी झंडा गड़ा हुआ है भारत सरकार का। सो उसको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं आपके बॉस, वो चलेगा? सो सबसे पहले तो तमीज़ खुद सीखिए दूसरों को सिखाने से पहले। और देश का जो अवार्ड है उसे कुछ इस तरह से कहते हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें जिसकी तस्वीर लगी है, ठीक है? कभी ये अवार्ड रिसीव करके देखिए इस मंच। तो इस अवार्ड का डिसरिस्पेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने अगर फिल्म का डायलॉग बोला तो बुरा लगा। का डायलॉग बोला जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एन चंद्रा, जिनकी वजह से मैं कुछ बना हूँ, स्टाइल फिल्म के डायरेक्टर, उनकी फिल्म थी तेजाब, उसमें लोडिया पठान का रोल किया था किरण कुमार सर ने, उस फिल्म का डायलॉग था पठान वाला डायलॉग। जी हाँ, उस फिल्म का डायलॉग था ये, पठान जब देता है तो एहसान नहीं करता और लेता है तो लिहाज नहीं करता, ये उस फिल्म का डायलॉग था जो सिर्फ मैंने एक डायलॉग के तौर पे बोला था। आप इसको रिलीजियस बना रहे हैं। और हाँ, रही बात जो ये कहा है ना कि पेपर थिन स्किन होगा तो कट जाएगा, यही तुम्हारी औकात है। जी हाँ, यही हो तुम, यही हो, पेपर थिन स्किन है, फट जाएगा तो पता नहीं चलेगा, धमकी देते हो। 40 माले पे खड़ा हूँ, घर का है वो भी पता है तुम्हें, पेपर थिन स्किन, फट जाएगा, कट जाएगा,
यही औकात है, इसीलिए हर साल नया डब्बा पकड़ के खड़े होते हो और बोलते हो ये वाला गेनर ले लो, ये वाला प्रोटीन पाउडर ले लो, ये सबसे अच्छा है, और उसके बाद घोड़े का शिट लगाते हो। हाँ, असलियत औकात दिखा दी ना, चीर फाड़ काट डालूंगा, मार डालूंगा, हाँ पेपर थिन स्किन बना दूंगा, क्या क्या कह रहे हो भाई। मैं जहाँ जाता हूँ स्टोरी में बता कर जाता हूँ, पोस्ट डालता हूँ, बोलो आप जो कर सकते हो कर लो, फिर औकात दिखाता हूँ मैं किसकी। अभी तक अपने किसी भी सोशल नेटवर्क के लोगों को, दोस्तों को, मैंने आपके खिलाफ गाली लिखने को नहीं कहा। अगर लिखूंगा तो पता है ना कि आपके फॉलोअर्स और मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और मेरे इंस्टाग्राम और मेरे बाकी सारी मिलाकर इतनी है कि बहुत ज़िंदगी लग जाएगी इतने फॉलोअर सब्सक्राइबर इकट्ठा करने में। तो इज़्ज़त देता हूँ, इज़्ज़त लीजिए, लेकिन आपने जो शुरुआत की है उसका ख़त्म तो मुझे ही करना पड़ेगा। वेट फॉर मी। आज भी बॉडी बिल्डिंग का फ़ैन हूँ और बॉडी बिल्डिंग की रिस्पेक्ट करता हूँ, आज भी बॉडी बिल्डर्स को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ऐसे बॉडी बिल्डरों को नहीं जो पीछे से दोस्त बनकर इस्तेमाल करते हैं और जेलसी और हेट का पोस्ट डालते हैं स्टोरी में। सो प्रेसिडेंट अवार्ड डॉक्टर APJ कलाम अवार्ड को सेल्फ क्लेम अवार्ड कहने वाले बॉडी बिल्डर, कम से कम इतनी पढ़ाई लिखाई करो, कभी स्टेज पे पहुंचो तो समझ में आएगा, कम से कम एक प्रो कार्ड तो जीतो यार, 10-20 बार मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड। मैं उन बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें से सिर्फ एक बॉडी बिल्डर से मैं बात कर रहा हूँ। जो भी बॉडी बिल्डर हैं या जो भी लोग ये देख रहे हैं उनको ये नहीं समझ में आना चाहिए कि मैं किसी बॉडी बिल्डर की डिसरिस्पेक्ट करता हूँ। मिस्टर चेतन पठारे या जिन्होंने जो पूरी टीम है, आप उनसे पूछ सकते। जब मुझे मिस्टर चेतन पठारे और उनकी टीम ने बॉडी बिल्डिंग, मुंबई बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, हम उस ज़माने में कुर्सियों पर बैठते थे, प्लास्टिक की कुर्सियों में। उस वक्त कोई ग्लैमर नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, तब मैं खड़ा होता था वहाँ भी। सो एनीवेज इतना काफ़ी है, आपने जो शुरुआत की है रिजल्ट अच्छा आएगा, होपफुली सबक भी मिलना चाहिए। जो लोग इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान सोचते हैं या जो भी सोचते हैं, उनका हिसाब पक्का करना। चलो अच्छा ही हुआ, फेमस तो हो गए कम से कम। और हाँ, रही बात बॉलीवुड की और इस तरह की बातें लिखना, फेल नॉट फेल, मैंने ज़िंदगी में अमिताभ बच्चन के साथ काम कर लिया, इस ज़िंदगी में उतना ही काफ़ी है, ठीक है। कभी तस्वीर मौका मिले तो खिंचवा के दिखाओ। और रही बात मिलो, मिल के बात करो, मीट मी हियर बेबी एट द टॉप, इफ़ यू कैन अफोर्ड टू डू इट, कम एंड मीट मी हियर, या फिर मेरा पोस्ट देखो और मेरी जगह पे आ जाओ, मिल लो। ओहो, ये एक बात बोलना तो भूल ही गया मैं, विदेशी लड़कियों के साथ तस्वीरें डालकर फॉलोअर बढ़ा रहा हूँ मैं। ओहो, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है साहब, आपके साथ विदेशी लड़कियां नहीं है इसलिए। सो ये है तकलीफ आपकी कि मेरे सब्सक्राइबर क्यों हिट हो रहे हैं 1 मिलियन, इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स क्यों बढ़ रहे हैं, विदेशी लड़कियां मेरे साथ तस्वीरें क्यों खिंचा रही हैं, इस बात की तकलीफ है। और आप कहते हैं कि मैं औरतों की इज्जत नहीं करता, कब आपने औरतों की बेइज्जती करते हुए मुझे देखा है साहब। और लाइफस्टाइल, हाँ लाइफस्टाइल, करेक्ट, स्टाइल पिक्चर थी मेरी, याद रहेगा आपको जिंदगी भर। अब मैं लाइफस्टाइल ऐसे दिखाकर लोगों को मैं गलत रास्ते बता रहा हूँ, आइकॉन होकर करते सब है मेरी जान, सिर्फ दिखाता मैं हूँ। अगर मेरी लाइफस्टाइल से इतने लोगों को तकलीफ होती तो 3 मिलियन लोग नहीं होते, 1 मिलियन यूट्यूब पर नहीं होते। एनीवेज आपको ऑलरेडी बहुत फुटेज दे चुका हूँ यार मैं, होपफुली दिस इज गोना हेल्प योर लाइफ। अब अगले साल नया डब्बा नहीं पकड़ोगे और एक प्रो कार्ड भी जीत, और अब किसी की बैल्कनी में खड़े होकर सेम रिप्लाई मत देना यार क्योंकि रिप्लाई सेम कॉपी करते हो। One life, baby. One life. तो यार अभी तक तो अभी इसमें यही चल रहा है, बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट संग्राम चौगले जी अब क्या कहेंगे इनकी स्टोरी के बाद, देखने के बाद देखते लिए होगे, बट देखते हैं अब क्या कहते हैं वो, क्या कह सकते हैं दो महान बॉडी बिल्डर। चलो खैर, वीडियो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग केयर बहुत। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, अपन उधर ही है, या फॉलो करो अपन को, उधर जो भी क्वेश्चन है सारे सारे जवाब देगा। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट प्लीज, थैंक यू।